शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर कांग्रेस ने संदेश यात्रा भी निकाली, जिसके माध्यम से गांधी जी के आदर्शों का मानव जाति को संदेश देना रहा। इस अवसर पर आनंद शर्मा ने कहा कि आज देश को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का संदेश दिया, मानवता को सच्चाई की राह दिखाई, जिसकी आज जरूरत महसूस की जा रही है। पूरे देश में गांधी का संदेश कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर, हर जिला के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर निकल पड़े हैं पदयात्रा पर। जैसा कांग्रेस कार्यकारिणी का निर्णय था, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस के नेता पूरे भारत में, कार्यकर्ता, सेवा दल के, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, छात्र संगठन, कि गांधी का जो संदेश मानवता के लिए था बापू का, वो दोबारा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। गांधी जी सहनशीलता, अहिंसा और सत्य की बात कहते थे। आज के परिपेक्ष में जब हम हिंसा देखते हैं, असत्य देखते हैं, वाणी में हिंसा है, समाज में हिंसा है, तो गांधी का वो संदेश इस देश के लोग अपनाएं। केवल एक जयंती मनाना ही अपने आप में महत्व नहीं रखता, बल्कि जो महात्मा गांधी ने कहा था वो आज भी रेलेवेंट है, आज भी उसका औचित्य है पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं। इसीलिए आज का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है, और ये प्रस्ताव 2007 में 15 जून को भारत का प्रस्ताव था। सत्याग्रह के 100 साल के बाद जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद भारत ने प्रस्ताव लाया था, जिसको सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना। तो एक भारत के महानायक, जिनकी आवाज़ आज भी दुनिया में है, उनके मूल्य और सिद्धांत महत्व रखते हैं, यही हम अपने देश की युवा पीढ़ी को, जो भविष्य है भारत का, उनको बताना चाहते हैं। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।